नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आपका फोन अगर आपको लगता है हैक हो गया है या आपका डाटा कहीं से किसी के पास लीक हो गया है तो इससे कैसे बचे और ये होता कैसे है। ज्यादातर आजकल जैसे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, देश में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये ज्यादातर कैसे किए जा रहे हैं? क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशन लेकर के आ सकता है क्या? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है चूस जैकिंग। चूस जैकिंग, ये टर्म सुनने में तो काफी कूल लग रही है, लेकिन इसका जो असर है वो काफी डेंजरस हो सकता है आपकी डिजिटल लाइफ में। चूस जैकिंग, मोस्ट पीपल डोंट इवन नो दैट दिस इज हैपनिंग, बट तो चलिए अब जानते हैं कि चूस जैकिंग आखिर क्या चीज है और इससे कैसे बचना चाहिए। चूस जैकिंग ये टर्म 2011 में सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ब्रायन क्रेब्स ने इंट्रोड्यूस किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चूस जैकिंग है क्या भला? तो दोस्तों, ये एक टाइप का साइबर अटैक है जिससे कि जो हैकर्स होते हैं वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करके आपका फोन जो चार्जिंग पे लगा होता है पब्लिक स्टेशंस पे, उसके थ्रू आपका जो पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा है वो चुराने की कोशिश करते हैं। ये मालवेयर इन्फेक्ट करके या फिर हार्डवेयर में चेंजेस करके किया जा सकता है। अब सोचो, आप एक एयरपोर्ट पे हो, आपके मोबाइल फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। अब आपको एयरपोर्ट पे एक मोबाइल फोन चार्जिंग स्टेशन मिलता है और आप बोलते हैं, वाह क्या बात है, अब मैं अपना मोबाइल फोन यहां से चार्ज करूंगा। लेकिन यहां से होगी चूस जैकिंग। हैकर्स ने शायद उस मोबाइल चार्जिंग स्टेशन पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजेक्ट कर दिया होगा जिससे कि आपके मोबाइल फोन का जो डाटा है वो चुराने लग जाएगा उस चार्जिंग के थ्रू। ये हैकर्स क्या टारगेट करते हैं आपके फोन से? आपके फोन में पड़े हुए पासवर्ड्स, कार्ड डिटेल्स, एड्रेसेस या फिर और भी कई जो सेंसिटिव डाटा है आपके फोन में, वो भी चुराते हैं। ऐसे अटैक्स एयरपोर्ट, होटल, शॉपिंग सेंटर्स या फिर और भी पब्लिक प्लेसेस में रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर लोग अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने भी डायरेक्टिव जारी किए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी हम अपने मोबाइल डिवाइसेस का यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली वो जब चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज हो रहे होते हैं, तो हमें अपना फाइनेंशियल और जो भी पर्सनल डाटा है वो ज्यादा कॉशियसली प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हमें इस चूस जैकिंग से कैसे बचना चाहिए। कुछ सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो पर्सनल चार्जिंग डिवाइसेस का यूज करें, जैसे कि पावर बैंक लेके जाइएगा अपने साथ, पावर बैंक के जरिए अपने मोबाइल फोन को चार्ज करिएगा, आपका मोबाइल फोन सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ यूएसबी डाटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पावर बैंक नहीं है या आप लेकर नहीं आए, तो आप अगर चार्जिंग स्टेशन जाते हैं किसी भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज करने, तो ये यूएसबी डाटा ब्लॉकर अपने साथ जरूर रखिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आप एक साइड से अपना फोन की जो चार्जिंग केबल है वो कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड इसको पब्लिक यूएसबी में डालेंगे चार्जिंग स्टेशन के, तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल फोन चार्ज होगा। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का ज्यादातर इस्तेमाल करने से बचिए, इसको ना यूज करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास और कोई ऑप्शन भी है तो आप उसके थ्रू चार्जिंग कर लीजिए, लेकिन जब आपको लगता है कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यूएसबी ब्लॉकर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। अपने मोबाइल डिवाइसेस को, लैपटॉप को, आईपैड को हमेशा अपडेटेड रखिए, यानी कि उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसे हमेशा अपडेटेड रखिए, क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं वो सिक्योरिटी पैचेस भी लाते हैं। और आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप आजकल के साइबर थ्रेट्स और साइबर अटैक से अवेयर रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने आप को एजुकेट करिए ताकि आप किसी भी अनचाही मुसीबत में ना फंसे।
और ये भी सीखे कि उनसे कैसे बचा जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन जूस जैकिंग के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को आपको मिला हो, आप अवेयर हुए हो। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और गाइज मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा और मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा आशीष डावर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का वेट करिए, क्योंकि अब आपके लिए सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अवेयरनेस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।